डबल ए से नाम चालू होता है, मेरा कॉलेज में रोल नंबर 1 आता था और मैं 4 साल कुछ नहीं किया, सबसे पहले जाके वाइबा वाले का मूड खराब किया। वो सुबह 8:30 बजे नहा धो के मुझसे मिलता था। पूरा कॉलेज सोच रहा है प्रैक्टिकल में नंबर क्यों नहीं आ रहा यार। मैं देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि कौन स्टेज पर चढ़ गया, ऐसी बात नहीं है, आई एम द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन ऑफ भोपाल। क्योंकि और कोई है ही नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा कोर्स किया हुआ है, स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा कोर्स किया हुआ है, मैं बॉय स्कूल से हूँ, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर आई हैव बीन सिंगल ऑल माय लाइफ। ये 3 कोर्सेज हो चुके हैं, अब सिर्फ मेरे 2 कोर्सेज बचे हुए, एक मेरे को थेरेपी ज्वाइन करनी है, एक अपने ऊपर FIR करानी है। तुम लोगों ने थोड़ा अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी होगी, आई होप। मैंने इंजीनियरिंग करी भोपाल के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। बहुत दिक्कत है यार, कॉलेज शहर से बहुत दूर होते हैं और बस में हम लोग पीली बसें स्कूल वाली होते हैं उसमें कॉलेज जाते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉलेज में कुछ नहीं हो पा रहा है, शहर से बहुत दूर कॉलेज है, बस में अपन कॉलेज में जाएंगे, बस में आई विल सिट बिसाइड अ गर्ल, आई विल टॉक टू हर, आई ट्राई टू इम्प्रेस हर, ऐसा प्लान था। इतनी भीड़ रहती थी बस में, मैं ड्राइवर के बगल में बैठता था यूं, उसका गियर बीच में होता था, वो गियर बदल रहा होता था, मेरी फट रही थी, मेरा गियर ना बदल जाए। ही इज लाइक 1, 2, 3 मेगा 4 नहीं लगेगा। कह रहा है 4 लगा दे, मैं कहा अबे तूने 4 लगा दिया मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूं। मेरा नाम गाइस आदित्य है, तो डबल ए से चालू होता है, डबल ए आदित्य कुलश्रेष्ठ। तो मेरे घर वालों ने रखा था कि डबल ए से नाम आएगा, इसका रोल नंबर शुरू में आएगा, दुनिया में कुछ अच्छा करेगा। और तुम लोग देख रहे हो। मैं डबल ए से नाम चालू होता है, मेरा कॉलेज में रोल नंबर 1 आता था और मैं 4 साल कुछ नहीं किया, सबसे पहले जाके वाइबा वाले का मूड खराब किया। वो सुबह 8:30 बजे नहा धो के मुझसे मिलता था। पूरा कॉलेज सोच रहा है प्रैक्टिकल में नंबर क्यों नहीं आ रहा यार। अच्छा भाई, मैं अगर जितने भी लोग कॉलेज गए हैं, मेरे को लगता है सभी गए होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, तो जितने भी लोग कॉलेज गए, अगर आपका रोल नंबर अर्ली रोल नंबर्स में से आता है, तो आप जब वाइवा देके आते हो तो लोगों की आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, आप जस्ट मतलब उस कमरे से बाहर निकलो, भाई क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। देखो मैं पढ़ के जाता नहीं था, मुझे पता नहीं कि क्या पूछ रहा है, लेकिन मैं आदमी भी हरामी, मैं बाहर आके सब्जेक्ट का सबसे टफ टॉपिक बता देता था कि ये पूछ रहा है और बोल रहा है शाम तक यही पूछूंगा। मैं एक दिन बाहर आया, कह रहा क्या पूछा क्या पूछा, सेकेंड सेमेस्टर का वाइवा था, मैं कह दिया पूछ रहा है मेजर प्रोजेक्ट में क्या बना रहे हो, 8वें सेमेस्टर में आता है वो। मैं एक बार बाहर आया, कह रहा क्या पूछा क्या पूछा, मैंने कहा पूछ रहा है कि सेल्फ डाउट से कैसे डील करते हो। कह रहा भाई ये कहां लिखा है, मैं कहा भगवत गीता में। कह रहा भाई नोट्स हो तो व्हाट्सएप कर देना। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, एग्जाम वाले दिन मैं कहा कुछ तो करना ही है, तो लोगों ने बहुत अच्छी सर्विस करी हुई यूट्यूब पे, एक चैनल है 5 मिनट इंजीनियरिंग, वो भाई छोटे छोटे वीडियो में पूरी इंजीनियरिंग समझा देता है आपको। एग्जाम से पहले मैंने लगाया, लेकिन लगाते से मेरे को बुरा लग गया, मैंने वीडियो लगाया, वो कह रहा है कि हाय गाइज वेलकम टू द वीडियो, जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। मैं कहा 17 मिनट में पेपर है। तेरी वीडियो 40 मिनट की है, मैं 2x करके देखूंगा तो भी 3 मिनट लेट हूं। कुछ भी चल रहा है गाइस, फालतू बातें चल रही है, फिर क्या है लोग बाग क्या, हर कॉलेज में ये फालतू अफवाह उड़ती है, इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा उड़ती है। अरे पेपर वेपर अपने यहाँ चेक कौन करता है, पेपर वेपर चेक नहीं होते, तुम तो कुछ भी लिख के आ जाया करो। मैं कुछ भी तो लिख देंगे, मैं कॉन्फिडेंस में चला गया। अगले दिन पेपर देने गया तो मैथ्स का पेपर था, मैंने कहा इसमें क्या लिखे यार, लेकिन मैंने कहा क्रिएटिव आदमी कुछ तो करना ही है, तो अब थोड़ा टेक्निकल जा रहे हैं अपन, ठीक है, तुम लोगों का पूरा ध्यान चाहिए अब टेक्निकल, जैसे हल्के फुल्के जोक नहीं रखते, टेक्निकल जोक।
अब मैं तुम लोगों को लेके चलूंगा सेकंड सेमेस्टर में मेरे इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट का नाम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। ठीक है तुम लोग मेरे साथ हो। क्वेश्चन आया कंपेयर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब अगर तुम लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं करी है तो तुमको इसका जवाब नहीं मालूम है और करिए तो घंटा नहीं मालूम है। कंपेयर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसको ईमानदारी से इंजीनियरिंग के हिसाब से कैसे करना था, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की इक्वेशन डिराइव करनी थी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की इक्वेशन डिराइव करनी थी। मेरे को पता नहीं था, मैंने खंड बनाया और डिफरेंशियल लिखने शुरू कर दिए। CF is tough, PI is very tough. CF takes 2 pages, PI takes 3 pages. फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को फेल कर दिया। I don't know why. तो इंजीनियरिंग में हमारे बैक लगती है, मतलब एटी केटी जिसको आप बोलते हो, वो बैक लगी और वो लगती ही चली गई और काफी टाइम तक लगी। तुम लोगों को फैक्ट बता दूं, 2015 के दिसंबर में ये एग्जाम मुझे पास करना था, मैंने पास कब किया 2018 के जून में। और आई नहीं सुनो, जो फैकल्टी ने मुझे 2015 के दिसंबर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, 2018 के जून में जब मैं वो सप्लीमेंट्री तीसरी दे रहा था, वो रूम में आ गया इन्विजिलेटर बन के। अब वो मुझे कोने से देख रहा है, उसको दे जा वो और नॉस्टैल्जिया साथ में हो रहा है। वो मेरे पास आया, कह रहा यार मैंने मैथ्स में पीएचडी करी है, तेरा गणित मेरे समझ नहीं आ रहा। बच्चे कुछ भी लिख के आ रहे हैं भाई, कुछ भी लिख के आ रहे हैं इस बारे में कि यार पेपर चेक नहीं होता, तुम तो कुछ भी लिख के आए। क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन डीबीएमएस, बच्चे लिख के आ रहे हैं इट्स अ जंबल्ड वे ऑफ राइटिंग बीडीएसएम। फिर तीन पन्ना बीडीएसएम एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस फैकल्टी के पास गए चेक होने, वो कह रहा है इसकी फोटो कॉपी कराओ पहले। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स अ लॉट गाइस, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस।